अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से देश भर में जगह जगह लोग इस फैसले पर विरोध जता रहे हैं। वहीं इस फैसले के बाद महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी फैसले पर अपना असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट पर जमकर तंज कसा है। ट्विटर पर भी कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत आज गोडसे को भी देशभक्त बता सकता है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एकदम चौंका देने वाला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के परे यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने मुकदमे का निपटारा करते हुए अयोध्या में विवादित जगह को राम मंदिर के हवाले कर दिया। तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा, यदि आज के समय में अगर महात्मा गांधी पर गोडसे द्वारा चलाई गई गोली मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो यह फैसला होता कि नाथूराम गोडसे दोषी तो हैं, लेकिन वह देशभक्त भी हैं। तुषार गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया है। गौरतलब है कि शनिवार को दुनिया के सबसे पुराने मुकदमे में शुमार अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला दे दिया। कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना, जबकि बाबरी मस्जिद के बदले मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन सरकार से देने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सर्वसम्मति से दिया है। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का हवाला देते हुए माना कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जगह पर नहीं हुआ था। अदालत ने माना कि विवादित जमीन के नीचे गैर इस्लामिक ढांचे के अवशेष मिले हैं। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।